नमस्कार प्रणाम के राज। और आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज यूट्यूब चैनल। आप सभी को बता दें, वीडियो किस लिए बना रहा है, जिस चीज का पूरा हिंदुस्तान सोचता था कि यूपी में बीजेपी जीतेगा, बीजेपी का सबसे ज्यादा सीट आएगा, उस बीजेपी को सिर्फ मात्र 30 सीट मिला है 80 सीट में, जो कि बहुत ही खराब रिजल्ट रहा है। और इतना ही नहीं, जहाँ पे राम जी का मंदिर बना, शायद वहीं के लोग इनसे नाराज हो गए हैं, और अयोध्या से बीजेपी का सफाया हो गया। और किस लिए सफाया हो गया, शायद बीजेपी को सोचना चाहिए इस चीज के लिए कि किस तरीके का हम विकास कर रहे हैं, किस तरीके का बेरोजगारी पे काम किए हैं, और क्या काम किए हैं गलत ऐसा, जिसके वजह से अयोध्या जैसे सीट पे, जहाँ पे एक टाइम था कि पूरे दुनिया का नजर था अयोध्या पर, जब राम मंदिर वहां पे बना, राम मंदिर का उद्घाटन हुआ, प्रवेश हुआ, उस वक्त पूरा दुनिया का नजर था, और पूरा बिहार का नहीं, पूरे हिंदुस्तान का जितने भी बड़े बड़े चेहरे थे वो लोग आए वहां पे। और जिस अयोध्या में बड़े बड़े कंपनी लगने वाला है, जिस अयोध्या में बड़े बड़े होटल लगने वाला है, जिस अयोध्या के विकास के लिए मोदी जी कह रहे थे कि पूरा हिंदुस्तान का एक ऐसा जगह रहेगा जहाँ से विदेश फॉरन लोग आएंगे घूमने के लिए, और हिंदुस्तान का नाम ऊंचा होगा, उस अयोध्या से नरेंद्र मोदी जी का सीट का सफाया हो चुका है। जी हाँ, बीजेपी वहां से हार चुकी है। और ये बहुत ही शर्म की बात है बीजेपी के लिए कि जहां पे आप मंदिर के लिए वोट मांगते हैं और जहां पे आप मंदिर बनाते हैं वहीं से आपका सफाया हो जाता है। इससे आपको समझना चाहिए, इससे आपको सीख लेना चाहिए कि लोग अब रोजगार पे बात करना चाहते हैं, लोग अब महंगाई पे बात करना चाहते हैं, लोग अब संविधान पे बात करना चाहते हैं, लेकिन आप किस तरीके का वहाँ विकास किए कि वहाँ के लोग और वहाँ के जनता आपको वोट देने से इनकार कर दिया, इस चीज को सोचना चाहिए। आप तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं, लेकिन लोगों के दिल से जिस तरीके से उत्तर प्रदेश और यूपी से आपका सफाया हुआ है, ये बहुत ही बेकार है। जैसे पंजाबी को आप लोग खालिस्तानी बोल देते हैं कि खालिस्तानी बोल के भगा देते हैं, और जैसे किसान आंदोलन में जो लोग आते हैं उन लोग को पाकिस्तानी या फिर खालिस्तानी बोलकर उनको भी गलत तरीके से बोलते हैं कि वो लोग आके किसान आंदोलन पे हल्ला कर रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं, रोड जाम कर रहे हैं। जिस तरीके का बात को छोड़कर आपको रोजगार और विकास पे ध्यान दिए रहते तो शायद आपका यूपी में, उत्तर प्रदेश में 80 में से जो 30 सीट आपको मिला है ये आज मुंह देखना नहीं पड़ता, जो कि पिछली बार 60 सीट मिला था वहीं से आपको 30 सीट मिला है। ये बहुत ही शर्म की बात है कि यूपी जैसे शहर में जहाँ पे बुलडोजर बाबा के नाम से पूरा यूपी को लोग जानते हैं सब जगह पे बुलडोजर चलाने के वजह से, तो शायद विकास भी चला दिए रहते तो आज ये दिन देखना नहीं पड़ता। आप लोग का क्या राय कमेंट करके जरूर बताइएगा। इस तरीके का वीडियो हमारे चैनल पे आते रहता है, चैनल को शेयर कर दीजिएगा, फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो फॉलो कीजिएगा। जय हिंद।